अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद सादिया बदर। आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि आज की वीडियो किसी प्रोडक्ट पे नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपना मेकअप को कैसे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में मैं सब बताऊंगी कि इतना ज़्यादा हम मेकअप तो कर लेते हैं, इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हो और इतनी ज़्यादा कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स हम अपने स्किन पर यूज़ करते हैं, लेकिन उनको फिर रिमूव किस तरह करना है ताकि आपकी स्किन अच्छी रहे, आपकी स्किन फ्रेश रहे, आपकी स्किन के ऊपर कोई एक्ने का इशू ना हो और आपकी स्किन के ऊपर कोई किसी किस्म का रैश भी ना हो। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, आज की वीडियो में बता रही हूँ कि मेकअप को आपने अपनी स्किन से किस तरह से रिमूव कर लेना। हम इतना सारा मेकअप कर लेते हैं, ब्लश ऑन लगा लेते हैं, फाउंडेशन अप्लाई कर लेते हैं, अपने कंटूरिंग कर लेते हैं स्किन पे, ब्लश ऑन कर लेते हैं, हाईलाइटर अप्लाई कर लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं, हम अपनी आई मेकअप कर लेते हैं। तो इन सबको जब आपने रिमूव करना होता है तो उसके लिए भी कुछ प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है। जैसे कि सबसे पहले मैं बता रही हूँ, बीबीए की वाइप्स है मेरे पास, नाइट क्वीन वाइप्स है, बहुत अच्छी वाइप्स है, चारकोल मेकअप क्लिनजिंग वाइप्स हैं, ठीक है। बहुत ही ईजी होता है, आप अपना मेकअप इससे रिमूव कर सकते हो, ठीक है। आपको किसी कॉटन की जरूरत नहीं होती और ना ही किसी मेकअप रिमूवर की जरूरत होती, सब कुछ इस मेकअप वाइप्स के अंदर होता है। आपने जस्ट एक वाइप ओपन करनी है और अपना मेकअप आराम से रिमूव कर लेना है, चाहे आपका आई मेकअप हो, आपके जो है आपके आई मेकअप हो, आई शेडो वगैरह रिमूव करना हो, आपने आईलाइनर रिमूव करना हो, आपने मस्कारा रिमूव करना हो, या आपने अपने लिपस्टिक को रिमूव करना हो अपने लिप से, सब कुछ ये वाइप कर देता है। तो बहुत ही अच्छी वाइप है, बीबीए की है, ठीक है, ब्यूटीफाई बाय आमना की वाइप है, नाइट क्वीन चारकोल मेकअप क्लिनजिंग वाइप्स है। इसके अंदर चारकोल मिल रहा है जो कि आपके मेकअप को अच्छी तरह से रिमूव कर देगा, ठीक है, और आपके मेकअप को क्लिनजिंग बहुत अच्छी करेगा, आपकी स्किन की क्लिनजिंग भी करेगा उसी वाइप से, आपकी स्किन बहुत अच्छी क्लीन हो जाएगी, ठीक है, मेकअप प्रूफ हो जाएगी आपकी स्किन से सारा मेकअप जो है वो रिमूव हो जाएगा। और ये फेस एंड आई दोनों के लिए अवेलेबल है, ठीक है। आप इसको अपने फेस पे भी यूज कर सकते हो मेकअप रिमूव करते, और अपनी आईज को भी, क्योंकि आईज थोड़ी सी सेंसिटिव होती है, लेकिन इसका जो बीबीए की ये जो वाइप्स हैं ये आप अपनी आईज पे भी इजिली रिमूव कर सकते हो, अपनी आईज से भी इससे मेकअप अच्छी तरह से रिमूव कर सकते हो, बहुत अच्छी तरह से रिमूव होता है। अभी हम इसको यूज करके बताती हूँ, ठीक है। इसके पाउच टाइप आपको मिल जाएगा बीबीए से, ठीक है, और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी जहां से मैंने लिया था, ठीक है। आपने आपकी आईज पे आईलाइनर लगा हुआ, ठीक है, ये देखें इस तरह से लाइक दिस जो है ना आईलाइनर लगा हुआ, मेकअप वाइप्स जो है ना वो रिमूव कर देता है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक लिपस्टिक भी लगा के दिखाती हूँ, या एक ग्लॉस हो जाए, ठीक है, ये ग्लॉस भी लगा के देती हूँ, द ब्यूटी वाला का ग्लॉस लगा रही हूँ। ये सब कुछ अप्लाई करते हैं और फिर मैं आपको जो है ना इससे रिमूव करके दिखाती हूँ, ठीक है जी। ये लगा दिया, एक हमने ग्लॉस भी अप्लाई कर दिया। इसके अलावा कोई भी काजल या पेंसिल वगैरह आपके पास ब्लैक हो, आप उसको भी लगा के जो है ना इसे देख सकते हो, ठीक है। ये तीन चार चीज़ें मैंने अप्लाई कर ली, लिप ग्लॉस अप्लाई कर लिया, ठीक है, काजल पेंसिल अप्लाई कर ली, एक जो है आईब्रो पेंसिल अप्लाई कर ली। इसके अलावा मैंने जो है कंटूरिंग जो है हमारी जो आईब्रो कंटूरिंग होती है वो अप्लाई किया। इसके अलावा मैंने स्टैम्प लाइनर भी अप्लाई कर दिया हुदा ब्यूटी वालों का, ठीक है। तीन चार चीज़ें अप्लाई करते हैं, अब हम देखते हैं कि इसको हम वाइप्स के साथ किस तरह रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे ओपन करोगे तो आपको इस तरह लाइक दिस ना इस तरह से एक बड़ा सा एक वाइप मिलेगा, ठीक है, और ये वाइप पूरा वेट होगा, ठीक है। देखिए इस तरह से वाइप होगा और ये वाइप पूरा वेट होगा, ठीक है। आपने जिस तरह करना है जहाँ पे आपका मेकअप है, फाउंडेशन है, चीक्स एरिया आपके, जहां पे आपका फाउंडेशन वगैरह, आपने जस्ट उस पर एक दो बार जो है ना इसको रब करना है, ठीक है। जैसे आप इसको रब करेंगे ना, थोड़ा सा एक दो बार जब रब करेंगे, ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये रिमूव होने लग जाएगा, ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये रिमूव होने लगेगा। एक तो इसके अंदर क्लिनजिंग पावर है, ठीक है, ये देखिए दो तीन बार जब इसको रब करेंगे ना, इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होने लग जाएगा। अच्छा, आपने ये काम भी करना है, जैसे आपने यहाँ से अपने अपना आईलाइनर रिमूव किया है, तो जब आपने अपने आईब्रो को नीट करना है तो आप थोड़ा सा वाइप का दूसरा पार्ट जो है वो ले, ताकि वाइप जो है अच्छी तरह से उसको क्लींस कर सके। ये देखिए हमने आईब्रो भी नीट कर दी, ठीक है, इसी तरह आपका आईब्रो भी नीट आउट हो जाएगी। और फिर बात करते हैं हम किसी भी आईब्रो पेंसिल, अगर आपने अप्लाई की हो तो आप ये देखें, ये आईब्रो पेंसिल भी उसने नीट कर दी, ठीक है। अब ये आपकी सारी जो है फाउंडेशन वगैरह भी होगी वो भी जो है नीट कर देगा इजीली, ठीक है जी। ये देखिए, ये एक और मैंने स्टैंप लगाई हुई थी, लाइनर स्टैंप लगाई हुई थी, इसको भी मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। बस जो पार्ट आप यूज़ कर रहे हो वाइप का, आप उसको फोल्ड डाउन करते जाओ, और दूसरा पार्ट जो वेट होगा और जिसमें चारकोल जो है चारकोल क्लिनजिंग क्लिंजर डाला हुआ है वो आपने यूज़ करना है। अब बात आ जाती है लिप्स पे। अब लिप्स पे आपने जो पार्ट लेना है वो बिल्कुल आपका नीट होना चाहिए वाइप का, ताकि आपको कोई भी एलर्जी वगैरह ना हो। ये देखिए, ये जस्ट इन वन एंड टू आप करेंगे इसको, दो तीन बार आप इस तरह करेंगे अपने लिप्स के ऊपर,
तो आपके लिप्स से ये इजीली जो है रिमूव हो जाएगा। ये देखें ठीक है, इजीली आपके लिप्स से भी जो ये वाइप है मेकअप को रिमूव, लिपस्टिक जो है, आपकी लिप ग्लोस है, कोई सा भी लिप ग्लोस, डीट कोई सा भी ऐसा लिप ग्लोस जो बहुत, आपको पता है आजकल के जो लिप ग्लोस है वो बहुत ज्यादा मैट और 24 आवर स्टेइंग लिप ग्लोस है, लेकिन परमानेंट लिप ग्लोस भी होगा, 24 आवर स्टेइंग लिप ग्लोस भी होगा, ये उसको इजिली जो है वाइप रिमूव कर देगा। ठीक है, ये देखें इसको इजिली जो है रिमूव कर देगा। तो बहुत अच्छी वाइब्स है, ब्यूटीफाई बाय आमना की है, ठीक है, नाइट क्यून इनका नाम है, चारकोल मेकअप क्लेंजिंग वाइब्स है, आपको चारकोल की डीप जो फाइन डीप क्लेंजिंग करता है, ठीक है, एक तो आपकी स्किन की डीप क्लेंजिंग भी कर देता है, ठीक है, उसके बाद अपनी फाउंडेशन साफ करें, अपना ब्लश ऑन साफ करें, अपना हाईलाइटर साफ करें, कुछ भी जो आपके फेस पे जितना भी मेकअप होगा ना, जितना भी आपने मेकअप लगाया होगा, जितनी भी फाउंडेशन की कोटिंग की होगी, ये उसको इजीली जो है नीट आउट कर देगा, इजीली इस तरह से इसको बिल्कुल नीट कर देगी वाइब्स, ठीक है, बहुत अच्छी वाइब्स है। इसके अलावा मैं आपको एक और बहुत अच्छी जो है, एक और बहुत अच्छा मेकअप रिमूवर बता रही हूँ, ठीक है, कवर मूजी वालों का है, ठीक है, कवर मूजी वालों का प्लांट मेकअप रिमूवर है, ये स्पेशली फॉर आई और लिप के लिए है, ठीक है, कॉटन बॉल लो, ठीक है, कॉटन बॉल में लेके जैसे दो तीन ड्रॉप्स डालो और जो है आप अपना मेकअप रिमूव कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ये स्पेशली फॉर आई और आपके लिप्स के लिए बना हुआ है, इससे आप अपनी आई शेडो भी जो है, इससे आप अपनी ग्लिटर आई शेडो को भी आराम से जो है रिमूव कर सकते हो अपनी आईज के ऊपर, आपको पता है ग्लिटरी मेकअप किया होता है हम लोगों ने, हम मेकअप करते हैं तो उस मेकअप को रिमूव करने के लिए भी कुछ प्रोडक्ट्स अपने पास रखें ताकि आप उस मेकअप को अच्छी तरह से नीट कर सके। अगर आप मेकअप रिमूव नहीं करेंगे अपनी स्किन से तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, उस पर एक्नी का इशू स्टार्ट हो जाता है, उस पर एलर्जी स्टार्ट हो जाती है, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपको फ़ौरन मेकअप को रिमूव कर लेना चाहिए, जब आपको मेकअप की ज़रूरत ना हो तो अपने फेस से फ़ौरन से मेकअप को रिमूव कर लें। यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके भी बताएं कि आप कौन सा मेकअप रिमूवर यूज करते हैं अपनी स्किन को नीट रखने के लिए, अपनी स्किन के अपने स्किन से मेकअप को रिमूव करने के लिए आप कौन से प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, कमेंट करके जरूर बताएगा, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, लाइफ स्टाइल विद सादिया बदर, अल्लाह हाफिज़।